लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद 21 दिसंबर 1934 को इंडिया की रियासत जूनागढ़ में पैदा हुए। उन्होंने 55 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 12 सेंचुरियों और 15 निर सेंचुरियों की मदद से 3,915 रन्स स्कोर किए और उनका सबसे बड़ा इंफ्रादी स्कोर 3,037 रन्स था। हनीफ मोहम्मद को तवील तरीन 914 मिनट के इनिंग्स खेलने का एहसास हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लिटिल मास्टर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उन्हें पाकिस्तान की पहली क्रिकेट टीम में खेलने का एजाज भी हासिल रहा है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में वो तवील दौरानिये तक विकेट पर ठहरने वाले बैट्समैन भी करार पाए। 1958 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 499 रन बनाकर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हनीफ मोहम्मद ने 1969 में क्रिकेट से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। वो उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट का अव्वलीन सुपरस्टार समझा जाता है। हनीफ मोहम्मद क्रिकेट के हकीकी लिटिल मास्टर थे। ये खिताब उन्हें पाकिस्तान के अव्वलीन टेस्ट मैच में ही मिल गया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहली निफ सेंचुरी स्कोर की थी। हनीफ मोहम्मद के खानदान में कई अफराद पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर और कौमी टीम के साबिक कप्तान हनीफ मोहम्मद 81 बरस की उम्र में कराची के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो सरतान के मर्ज में मुब्तला थे।